पर तो तमाम हमने आज बुलिश व्यू देखे, कई सारे एक्सपर्ट्स बुलिश थे टाटा पावर पर, प्रशांत जी भी और किरण जी भी। आप जरा अडानी पावर चेक करके बताइए, क्योंकि लगातार अप मूव इस शेयर में भी है, 500 रुपये के स्तर से अब ये 625 रुपये का भाव इसका हो गया है। अडानी पावर कैसा लग रहा है आपको, और क्या मौजूदा स्तर से भी इसको लॉन्ग करना है? अगर अदानी पावर को आप देखें तो कंसोलिडेशन फेज में था। 8 दिसंबर 2023 को जो हाई लगाया था 589, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था ऑन अ वीकली बेसिस। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक में, ये करंट वीक में सॉरी, इसको क्रॉस किया है। स्टॉक जो है अभी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो ब्रेकआउट आया है इतने महीनों के बाद, तो वो डेफिनेटली चेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आपका थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि हाई बीटा काउंटर है, इसलिए। सो 550 के स्टॉप लॉस से अगर लिया जाए करंट लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली अगले 1 से 3 महीने में अराउंड 680 to 720 के टारगेट्स आ सकते हैं। तो डेफिनेटली अदानी पावर में खरीदारी करंट लेवल पर करनी चाहिए। अडानी पावर में आपको खरीदारी करनी चाहिए। अडानी पावर, कल हमारे एक्सपर्ट अंशुल जैन हमारे साथ थे, उन्होंने भी अडानी पावर को खरीदने की सलाह दी थी, और आज हम ये बेहतरीन तेजी देख भी रहे अडानी पावर में। एक्साइड, आप प्रशांत जी चेक कीजिए, एक्साइड कैसा लग रहा है आपको, क्या एक्साइटमेंट और बढ़ेगी इसमें तेजी की? तो यहाँ पे क्लियर कट मुझे लग रहा है कि एक जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 325-30 के आसपास है। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग जो है वो 330 के टारगेट के लिए बने रहे। अगर आप खरीदना भी चाहते हो तो आपका टारगेट 330 होगा, और स्टॉप लॉस जो होगा वो करीबन 316 होगा, और वो हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। 330 के ऊपर क्लोज होने पे इस स्टॉक में एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट आएगा जो करीबन 340-45 तक भी इसको ले जा सकता है। एक चीज आपको और बता रहे, कल हमने आप जरा चेक कीजिए, कॉफी डे एंटरप्राइजेस, बढ़िया तेजी है 5% के आसपास की, क्या ये तेजी आपको लगता है कि और एक्सटेंड हो सकती है यहां से? प्रशांत जी, जी अभिषेक जी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कंफर्टेबली 62 तक के लेवल तक जा सकता है। इसकी जो नेक्स्ट मूव होगी वो 62 के ऊपर सस्टेन करने पे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि 60-62 के बीच एक गैप है। तो मुझे लग रहा है उसके ऊपर अगर क्लोज हो तो नेक्स्ट लेवल। तो फिलहाल आप 62 का टारगेट मान के सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड करो, और वहां पे अगर कोई रेजिस्टेंस दिखे तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। फ्रेश बाइंग 62 क्लोजिंग के ऊपर करनी होगी।